Hello everyone. Today our topic is explanation of poem named Geographic Lesson. Okay, geography word. Previous lecture we have already discussed that the word geography reveals topic of literature, suppose SS type. But here it is in our poem Geographic Lesson. So, थोड़ा surprise होता है कि जो है वो पूरा प्लेन के अंदर राइटर बैठे हैं और प्लेन के अंदर बैठ के वो विंडो से झांक रहे हैं नीचे और पूरा जियोग्राफी अर्थ का देख रहे हैं, अपने जो लैंड है उसका जियोग्राफी देख रहे हैं कि देखो मेरा सिटी कैसा लग रहा है। तो नीचे तो सब हैफाजार लगता है इधर उधर सब, और अगर प्लेन में से नीचे देखते हैं तो पूरी सिमेट्रिकल और उसका जो स्ट्रक्चर है पूरे सिटी का वो परफेक्ट लग रहा है, मतलब सब सही लग रहा है। तो वो सारी चीजें जियोग्राफी रिलेटेड इन दिस पोएम, सो द नेम ऑफ द पोएम इज जियोग्राफी लेसन। ओके, आई थिंक स्टैंजा वन ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड टू ऑल्सो, बट वी विल रिपीट टू एंड थ्री। ओके, स्टैंजा सेकेंड, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, 10,000 फीट ऊंचाई पे जब जेट पहुंचता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री दैट सिटीज वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टिव मैन वॉज क्लियरली डेलिमिटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। ओके, अब 10,000 फीट की हाइट पे पहुंचने के बाद पोएट थिंक्स दैट ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों रिवर के पास पूरा पॉपुलेशन ज्यादा है वेलिंग, बिकॉज आपको बेसिक नेसेसिटी है वाटर की। तो वाटर जो है वो उसके रिलेटेड एरियाज में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हो, आपके जो कैटल वगैरह है उसे प्रॉपरली वहाँ पे रहना। तो पानी के नजदीक ज़्यादातर सिटीज जो है वो बनते हैं। इफ यू रिमेम्बर एस एस सिंधु खीण, मतलब वेलीज ऑफ, तो वो सबसे पहले जो हड़प्पा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, देखो मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट मुझे पढ़ी तो हूँ ना, तो ऐसा सब था। तो वहाँ पे भी सबसे ज्यादा, मतलब सबसे पहले पॉपुलेशन पाई गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिंधु नदी बह रही थी। तो पूरा आपको कम्फर्ट मिलता है, मैदानी एरिया है, ग्रासी लैंड है, वहाँ पे आप कुछ भी फार्मिंग कर सकते हो, वहाँ पे रहने में पानी का जो है प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें फेवरेबल एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे इंसान ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ वेलीज में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, रिवर के पास बैंक ऑफ द रिवर क्यों है ज़्यादा पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है टोटली कम्फर्टेबल होता है ह्यूमन बींग के लिए। When the jet reached 1000 feet, it was clear why the country had cities. अब मुझे समझ में आ रहा है कि कंट्री के अंदर सिटीज की जरूरत क्यों है। कंट्री है, सिटीज है, कंट्री के देखिए we can take two meanings of the country. Country means कंट्री साइड जो बोलते हैं, तो विलेज भी है एक मीनिंग और अनदर मीनिंग इज कंट्री जो है वो पूरा अपना देश है। ओके, हियर द मीनिंग कंट्री इज अ विलेज, तो गांव, फिर उसके एडवांस वर्जन में सिटीज क्यों बने हैं अब मुझे समझ में आ रहा है, मतलब कि नीड है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वर्ल्ड ओवर से आपका रहने का जो है एरिया वो वाइडर होता जाएगा, इट इज क्वाइट नेचुरल। वो बोले अब मुझे सारी चीजें समझ में आती है, स्ट्रक्चर वाइज परफेक्ट है सारी चीजें। द लैंड एंड द वाटर अफेक्टेड मैन, अब मुझे समझ में आ रहा है कि लैंड एंड वाटर मतलब कि इतनी समतल लैंड होनी चाहिए जो उसका सरफेस होना चाहिए प्रॉपरली, क्यों? क्योंकि रहने के लिए ऊपर खापट में तो रह नहीं सकते, अपना हॉल है मान लीजिए आप, है ना, तो हॉल आधा जो है वो खड्डे पे है, आधा है वो ढलान, मतलब चढ़ान पे है पूरा, वहाँ ये छोटा सा हिल है, तो वो कैसा दिखने में लगेगा हॉल, मतलब फर्नीचर कैसे सेट कर, मतलब वो सारा एरिया बहुत ऑब्वियस है सरफेस होना चाहिए, बाकी यू यू टेढ़े मेढ़े सो कैसा लगेगा। सो अब मुझे समझ में आ रहा है ऐसा
वाटर एक्शन का सेंटर क्यों होता है, वाटर और लैंड। वॉज क्लियरली वेरी नीचे, वेरी नीचे मीन श्योर, मुझे दिखाई दे रहा है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, अब मुझे समझ में आ रहा है जब मैं 10,000 फीट की हाइट पे देख रहा हूँ पूरा सिटी। ओके, थर्ड स्टैंजा है अपना, लास्ट स्टैंजा भी बोल सकते हैं आप। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हायर, 6 माइल हाई पहुंच चुका है जेट, तब उसे क्या दिखाई दे रहा है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, उसकी जो बॉल है ना एज ऑफ अर्थ वो दिखाई देती होगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अर्थ राउंड है, क्लियरली सब दिखाई दे रहा है। एंड दैट इट हैव मोर सी देन लैंड, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर पानी है, समुद्र है, सी है, लैंड कम है कंपेयर टू वाटर। एंड दैट इट हैव मोर सी देन लैंड, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट the man on the earth found poses to aid each other to bind, build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. आज की रेट में मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई, सिटी क्यों है, वेली क्यों है, वाटर को अट्रैक्ट, पीपल को वाटर और लैंड अट्रैक्ट क्यों करते हैं, अब सारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी पूरा एरिया वो सब स्ट्रक्चर परफेक्ट लग रहा है, गेट जो नीचे से मुझे नहीं लगता था, मतलब ऑल दैट आर क्लियर। अब मुझे सारी चीजें क्लियर हो रही है, पर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि लोग एक दूसरे को नफरत क्यों करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवार बनाने का क्या मतलब है, मतलब है तो सब ह्यूमन बींग और पूरा नेचर बिखरे हुए हैं, अर्थ मतलब अर्थ ने ऐसा कुछ नहीं रखा है, ये लोग अच्छे हैं तो इनके लिए फैसिलिटी ज्यादा देना है और ये लोग बुरे हैं तो फैसिलिटी कम देना, ऐसा नहीं है। जो कुदरत है, नेचर है, उसमें तो सबको एक समान, ऑक्सीजन लेते तो मैं भी लेती हूँ, हर कोई लेता है तो ऑक्सीजन ही लेता है, ह्यूमन बींग की बात करें, पेड़ की बातें अलग है, मतलब ट्रीज तो महान है हमारे से। ओके, तो कहने का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है राइटर को कि लोग नफरत क्यों करते हैं एक दूसरे को, यहाँ तो सब क्लियर है, मतलब नफरत करने का कोई उन्हें रीजन दिखाई नहीं दे रहा है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत डिफिकल्ट है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड पोजेस टू हैव रीजन, कैसे ढूंढ लेते हैं पोजेस मतलब रीजन, एक दूसरे को नफरत करने का रीजन कैसे ढूंढ लेते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटी, सिटी के अक्रॉस बिल्ड वॉल्स एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई, वो एक दूसरे को क्यों मार देते हैं, किल कर लेते हैं, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत क्यों है, झगड़े के कारण क्यों पैदा कर लेते हैं, मतलब कहाँ से ढूंढ लेते हैं। ऐसा बोलते हैं ना किसी, मतलब कहीं पर मैंने सुना है था कि मतलब लव करने के लिए टाइम बहुत कम है, तो इसमें से नफरत करने के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं लोग, और बात ऐसे नहीं है किसी को मतलब अच्छे से उसके साथ अच्छा व्यवहार करने में, उसमें ही सारा टाइम चला जाता होना चाहिए, मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एंड डेफिनेटली ड्यू टू कोरोना अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी को नफरत करने का, क्योंकि नफरत करना है तो उसके लिए प्रॉपर बहुत ही मतलब दिमाग शातिर होना चाहिए, झगड़ा भी करना है तो बहुत, अभी तो सारा इतना मतलब नेचर ने ही क्रुएल्टी दिखाई है तो अब इंसान क्या दिखाएगा। सो जितना हो सके अच्छा व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और जो भी कड़वाहट है वो डेफिनेटली थ्रो आउट कर दो अपने अंदर से, किसी के प्रति पता नहीं है आज जो हमारे सामने है अच्छा खासा बोला हेल्दी वो कल बोलो लाइक दैट सिचुएशन अभी ऐसी है। ओके, टेक केयर।